बे सिर पैर की सिलेक्शन, बे सिर पैर के डिसीजन, महा घटिया आपके डिसीजन और बैटिंग बुजदिली लांति जहन्नम की लानत, जितना बोला जाए उतना कम है भाई इस टीम के लिए। इस टाइम पर आप रॉक बॉटम हिट करने वाले हैं और मैं ये बोल रहा हूं एशिया कप में भाई मेरे लिए तो एम्बुलेंस बुला के रखना, सीधी बात यही है, मेरे तो अब बहुत हो चुका है। इन्होंने आपको मतलब इन्होंने आपकी उम्मीदों पर पाली फेरना ही फेरना है, पूरी तैयारी इन्होंने कर ली है, दिल बड़ा करके रखना है वहां पर। हाँ, ये पूरी तैयारी कर ली है कि एम्बुलेंस यहां पर बुलाई जाए। आपकी उम्मीदों पे पानी फेरना ही फेरना है बॉस। आप मुझे ये बता दो आप किस मुंह से हिम्मत से जाओगे इन द पाकिस्तान गेम के मेरे को, चलो पाकिस्तान आप इंडिया की प्रोबेबल दिखाइयो भाई, सुपर चैट भी दिखाना इंडिया की प्रोबेबल जो हमने बनाई थी एक बार वो दिखा रहा हूं एशिया कप वाली, सुपर चैट भी सारी लेंगे अभी रुक जाइएगा, जो हमने एशिया कप की बनाई थी ना पहले भी आपने वीडियो देखे होंगे जब हम एनालिसिस कर रहे थे, इंडिया की प्रोबेबल 11 दिखा दे रॉबिन एक बार। ये प्रोबेबल 11 में किसके ऊपर बैटिंग पे आपको भरोसा है ये बता दो जरा मुझे। प्रोबेबल 11 में जो आप लोग मुझे बोलते हो ना कि भाई चिल्लाओ मत, भाई गुस्सा मत करो, छोड़ो यार अपनी टीम में सपोर्ट करो, किस मुंह से सपोर्ट कर रहे हैं इस टीम में जो भी वेस्ट इंडीज में खेल रही है T20 उसमें चार प्लेयर है जो आपकी प्रोबेबल 11 में सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं व्रत रखते हैं इनके लिए, नहीं खाना पीना छोड़ देते हैं इनके लिए, इतना व्रत रखते हैं भगवान से दुआ मांगते हैं इनके लिए, मान लेते हैं। प्रोबेबल 11 देख लो एक बार, उसमें से मुझे बता दो सिवाय विराट कोहली के, रोहित शर्मा भी मान लिया चलो, इन दोनों के अलावा एक बंदे पे अगर भरोसा हो बैटिंग का अभी बता दो, नहीं करूंगा एक पैसे क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा। अगला मैच हमारा पाकिस्तान के साथ है ना एशिया कप, आ गया ना, आ गया अभी, और उसमें भी आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज होनी है उससे पहले कितने दिन रह गए, पाकिस्तान तैयारी करके आ रहा होगा अफगानिस्तान के गेम्स खेल के। 7 अगस्त हो गए, 7 अगस्त साथ हो गई, कितने दिन रह गए 2 सितंबर में, अरे आपके 25 दिन आप लगा लो ना, 25 दिन रह गए मोटे मोटे, एक महीने से भी कम रह गया। प्रोबेबल 11 जो हमारी भारत की प्रोबेबल 11 ये है भाई, रोहित शर्मा मान लिया चलो लेजेंड, अभी भी बोल रहा हूं मैं तो बैक कर रहा हूं रोहित शर्मा, मैं तो फिर भी आपको देता हूं कि चलो रोहित शर्मा रन बना लेंगे मान लिया, आगे शाहीन शाह अफरीदी लेफ्ट आर्म वो सारे भी हमें पहले पूजाएं करनी पड़ेंगी, है ना, हमने झेला है भाई, हमने एशिया कप में झेल लिया, हमने T20 वर्ल्ड कप में 2 बार झेल लिया भाई, दोनों बार नाकाम, चलो वनडे में हम बोल रहे हैं ना ऐसी बातें करें, टच वुड जय माता दी, वेरी गुड रोहित शर्मा बहुत बढ़िया, जान है हमारी करेंगे कप्तान, आगे आ जाओ शुभमन गिल है भरोसा, भरोसा है अभी, अभी तो इस तरीके से खेल रहा है बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है भाई, क्या फॉर्म है इनकी, क्या फॉर्म है इनकी, क्या उखाड़ रहे हैं। विराट कोहली तो मैं एक नाम है वैसे पक्का दिल करके, वो तो पाकिस्तान को टचवुड छोड़ेगा नहीं, वो तो वैसे भी पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसने तो मतलब मेरे ख्याल पैदा ही हुआ पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना, मतलब तो क्रिकेट खेलने ही पैदा हुए थे, बट पाकिस्तान को तो चलो वो पाकिस्तानियों को भी पता है कि भाई एक ही है ले देखे इनके पास, कि चलो विराट आउट तो जीत गए, विराट नॉट आउट है तो फिर ये कुछ भी कर सकता है, जैसे उन्होंने झेल लिया वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप में जीता हुआ मैच था, मैं तो MCG में था भाई, और पाकिस्तानी दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, रोने हाल हो गए थे, वो मुझे बोल रहे थे कोई बात नहीं यार हार गए तो क्या हो गया, टेंशन क्यों ले रहे हो, और विराट ने मारना शुरू करा तो वो ऐसे थे हैं ये फिर जीता गया, तो फिर मैंने उनको बोला टेंशन क्यों ले रहे हो, तो कह रहे कोई बात नहीं इससे हारने से हमें पता था, कह रहे इससे हारने में बुरा नहीं लगता, कोई बात नहीं इसका बनता है, हम जानते हैं इसको, आप नहीं जानते ना वो जानते हैं, एक विराट कोहली है बस, नीचे आ जाओ अब असली खेल अब शुरू हो रहा है आपका, ईशान किशन अभी तो ओपन कर रहा है मेरा भाई वनडे में, तुम खिलाओगे 4 पे, नहीं रिपोर्ट्स आ रही है कि ओपन करवा रहे हो, हाँ, और गिल ये भी रिपोर्ट्स आ रही है, तो फिर और गिल, पे गिल, हो जाएगा। गिल नंबर 4 पे आ जाएंगे और ये तो फिर बिल्कुल ही ईशान आप पे ओपन करेंगे, मैं कह रहा हूँ 4 खेल ले 1 खेल ले कुछ भी खेल ले भाई, 4 50 मारे इसने वनडे में, कहां मारे ओपन ओपन पे खिलाओगे, शुभमन नीचे आ गया मतलब नंबर 4 ये आप करो भाई, पीछे आवाजें बंद कर दो, क्या वीडियो देखते रहते हो यार, हेडफोन लगा के देखा करो, आ गया 4 नंबर पे ईशान किशन, या ओपन करा दिया तुमने, है भरोसा, है भरोसा पाकिस्तान के अगेंस्ट, शाहीन शाह अफरीदी हारिस रॉफ नसीम शाह शादाब नवाज, है भरोसा, बिल्कुल नहीं, जैसा अभी ये खेल रहे हैं भाई,
चलो कोई भरोसा नहीं, एक पैसे ईशान की जगह केएल राहुल आएंगे अगर आ गए तो कीपिंग करने। केएल राहुल को चमत्कार तो है नहीं भाई, मैच तो खेला नहीं, 25 दिन रह गए हैं, तो क्या वो क्या उसको कोई वरदान है भगवान का, चमत्कार हो जाएगा कि वो मार देगा? आते ही शाहीन को खेलेंगे, नसीम को खेलेंगे, हारिस को खेलेंगे। उसने तो वैसे भी अपनी बर्बादी करा है, वनडे में अच्छा करता मान लिया, बट उसने T20 दो बर्बाद कर दिया आपने, दोनों बार पाकिस्तान के अगेंस्ट फ्लॉप रहा वो, इन्हीं बॉलर शाहीन वगैरह के अगेंस्ट है भरोसा? आगे आ जाओ, द ग्रेट सूर्या दादा, द दादा गिरी मैन, चवन्नी का भरोसा नहीं मुझे इस सूर्य कुमार यादव महान प्लेयर पे वनडे में, चवन्नी का भरोसा। 3 बार गोल्डन डक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन इंडिया, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेला नहीं गया, कहां पाकिस्तान यार, पाकिस्तान में जब ये T20 के नंबर वन प्लेयर थे तब नहीं खेल पा रहे ये। वही मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, विराट कोहली से डर लग रहा है, कह रहे नहीं सूर्या, मैंने बोला सूर्या नंबर वन प्लेयर, कह रहे नहीं सूर्या हमारे अगेंस्ट नहीं चलता, वो खुर्दा खुल्ला बोल रहे भाई वो। नहीं उसने एशिया कप में रन नहीं किए, T20 वर्ल्ड कप में रन नहीं किए, दोनों T20 वर्ल्ड कप में कहां छक्का मार गया, वनडे में आपसे हो नहीं पा रहा। अब सूर्या की जगह का श्रेयस आ जाए उस पर भरोसा है, बट 25 दिन रह गए, वही बात जो केएल के लिए करी थी, क्या चमत्कार है, उसको वरदान है कोई कि वो आके ही बैटिंग कर लेगा? तो आपने इस बैटिंग लाइनअप में अभी तक देखा कि सिवाय विराट कोहली के ऑनेस्टली कुछ है नहीं आपके पास? आगे आ जाओ आप, संजू सैमसन खिला लोगे? संजू सैमसन को वनडे एशिया कप खिला लोगे? पाकिस्तान के वर्ल्ड कप खिला लोगे आप? बाहर जगह ही नहीं बन रही भाई उनकी, जैसे खेल रहे वो जगह ही नहीं बनती है उनकी, नहीं खिला पाओगे भाई आप। वो मैच फंस गया तो वो तो अपनी विकेट वो आगे आगे लप्पा घुमा के जय जय राम कृष्ण हरी जो भी है, डोंट वरी, वो तो वापस आ जाएगा भाई, वो तो बोलेगा मुझे नहीं पता, जस्टिस फॉर संजू करो मेरे लिए, मैं तो इंटेंट दिखा रहा था, लपेड़ा होने में, लप्पे घुमाने में और इंटेंट दिखाने में जमीन आसमान का डिफरेंस है बॉस। संजू तब हो गया, लप्पा दिखा रहे थे वो, संजू तब हो गया बैटिंग नहीं भरोसा। केएल की बात कर ली, वाइस कप्तान हार्दिक पांड्या भाई, तूने प्रेडिक्टेड स्क्वाड दिखा दिया, रॉबिन मैं तेरे को 11 बोला है, एक 11 भी बनी हुई है, 11 दिखाओ, 11 का भी है, 11 का दिखा। हार्दिक आ गई, हार्दिक की बैटिंग पे कितना भरोसा भाई आपको? मैं फिर भी दिल से चाहता हूं, चलो मैं हार्दिक भी दे लेता हूं आपको, क्योंकि बड़ी गेम आएगी, मैंने देखा है हार्दिक कम से कम कुछ ना कुछ कर लेता है, एशिया कप में इतना प्रेशर नहीं लेता, ये है वर्ल्ड कप में किया है, श्रेयस अय्यर खेलेगा, स्काई खेलेगा, दोनों की बैटिंग में भरोसा नहीं, बिकॉज एक इंजरी से वापस आ रहा है, दूसरे से बैटिंग हो नहीं रही। ईशान खेलेगा, केएल राहुल खेलेगा, केएल राहुल इंजरी से वापस आ रहा है, भरोसा नहीं हो सकता ईशान किशन का, वही बात ही बात है कि पता नहीं भाई आपको क्या होगा। हार्दिक चलो आपको दे दिया, रविंद्र जडेजा भी आपको दे दिया, बॉलिंग में बुमराह का पता नहीं, शार्दुल को खिला लो, सिराज शमी, बॉलिंग का बॉलिंग भी है वही है, ऐसा नहीं है कि कोई आप बहुत, चलो कुलदीप आपका बाबर के लिए हो गया, बाकी को एवरेज शामी शामी भाई आपके डब्ल्यूबीसी के पास से आपके पास कोई बैठे हुए हैं और कैमरन ग्रीन तो स्टॉक तो बोलन तो ये सब वो जाम्पा ये वो वाली बॉलिंग नहीं है ये, या पाकिस्तान के नसीम और हारिस और शाहीन वो चीज नहीं है भाई, ये बैटिंग में फॉर्म नहीं है, बॉलिंग में दम नहीं है, फिर आप हमें बोलते हो क्रिटिसाइज मत करो भाई, इस टीम को सपोर्ट करो, सपोर्ट तो कर रहे हैं यार, बट कितनी बार देख लेंगे कि टूर्नामेंट से पहले ही हमें पता है कि हमारे बस की नहीं है, सपोर्ट तो हमेशा रहेगा भाई चाहे कैसे भी खेलें,